विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कस्बा अकबरपुर में घर घर जाकर बांटे निमंत्रण पत्र। अयोध्या में रामलला के दर्शन समेत प्राण प्रतिष्ठा में अधिक से अधिक लोगों को पहुंचने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया आह्वान। अयोध्या निमंत्रण पत्र देते हुए विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी मयंक दीक्षित ने बताया कि हर सनातनी राममय हो, 22 जनवरी को अपने घरों और आसपास के सभी मंदिरों में दीपक जलाएं। सभी क्षेत्र और कस्बा अकबरपुर वासियों से 22 जनवरी को भव्य और दिव्य माहौल बनाने की गई अपील। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से पीएन दीक्षित की रिपोर्ट। हम लोग विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं और मेरा नाम मयंक दीक्षित है, जिला का धर्म प्रचार प्रमुख हूँ विश्व हिंदू परिषद। आप लोग घर घर जा रहे हैं और प्रचार प्रसार करने क्या है? हम विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि से पूजित अक्षत लेकर हर सनातनी के घर में पूजित अक्षत देकर निवेदन करते हैं कि 22 तारीख के बाद जब भी उनके पास समय हो एक बार जाकर अयोध्या जाकर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन करें और 22 तारीख को अपने घर में या घर के समीप में जो भी मंदिर हो उस मंदिर में सामूहिक रूप से पूजा पाठ करें, टीवी पर प्रसारण देखें कि भगवान राम के मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसकी टीवी पर लाइव प्रसारण प्रसारित होगा। तो हम निवेदन कर रहे हैं कि सभी लोग टीवी पर देखें और राम में माहौल बनाएं और रात्रि में अपने घरों में दीपमालाओं के साथ घर में रंगोली बनाएं, दरवाजे पर बंधन वार लगाएं और इस तरह से भव्य और दिव्य उत्साहमयी राममयी माहौल बनाकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की खुशियों को उत्साहित होकर मनाएं। कब तक ये आपका चलता रहेगा? विश्व हिंदू परिषद ने योजना, विश्व हिंदू परिषद की जो योजना है वो ये 15 जनवरी तक योजना हम लोगों की है और 15 जनवरी से हम लोग सेवा में चले जाएंगे अयोध्या। क्या मानते हैं अयोध्या में कितनी भीड़ लगभग पहुंच सकती? चूंकि पूरे विश्व को आमंत्रित किया गया है तो 22 तारीख को जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है तो उस दिन तो एक निश्चित संख्या ही वहाँ पर रहेगी क्योंकि 7000 मुख्य अतिथि ही बुलाए गए हैं वहाँ पर। तो उसके बाद संख्या का आकलन करना हमारे लिए भी थोड़ा कठिन है। हाँ, बहुत भव्य और दिव्य नज़ारा होने वाला है क्योंकि 500 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान राम का पावन भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है।